सारा पैसा उठा के मैं घर से बाहर फेंकूंगी। मैं तंग आ गई हूँ। आज एनिवर्सरी है, फिर भी इनको ना मेरे लिए कुछ लाने के लिए याद नहीं है। क्या करूँगी मैं इतने पैसे का? अरे क्या हुआ भाभी जी, आप ये पैसे बाहर क्यों फेंक रही हो? अरे क्या करूँ मैं इतने पैसे का, जब मेरा पति मेरी एनिवर्सरी भूल गया। मैंने उसे इतनी बार बोला कि मेरे पे ध्यान दिया कर, मुझे टाइम दिया कर, आज हमारी एनिवर्सरी थी और मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आया। मैं क्या करूँ इतने सारे पैसे का, मेरे को चाहिए ही नहीं ऐसा पैसा, इसलिए सारा पैसा मैं घर के बाहर फेंक रही हूँ। ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हो भाभी जी, आज आपकी एनिवर्सरी है और भैया आपके पास नहीं आए, तो ये पैसा आपको नहीं चाहिए ना? नहीं मेरे को नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ। सच में मैं ले लूँ ये पैसा? हाँ ले लो, मेरे को जरूरत नहीं है। अरे भाभी आप कितनी अच्छी हो, वैसे भी मुझे ना इस पैसे की बहुत जरूरत थी, मुझे एक कार खरीदी ने, थार तो इससे आ ही जाएगी ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये ले लूँ क्या मैं? अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, ले लो। मैं दो दिन भी इस घर की सफाई करूंगी ना, इससे डबल ट्रिपल पैसा निकलेगा, इतना पैसा है, ले जाओ मुझे जरूरत नहीं है। मेरे पति को भी तो पता लगना चाहिए ना कि मैंने इसको सारा पैसा खत्म कर दिया, फेंक दिया। तो ऐसा करो ना भाभी जी, उस पैसे को तुम फेंकोगे तो मुझे ही दे दो ना। ठीक है ले जाओ। ठीक है। कितनी पागल औरत है, इतना सारा पैसा फेंक दिया, मुझे क्या, मुझे तो पैसे मिल गए। कहते हैं ना लालच बुरी बला है, आज उसी लालच की वजह से फंस गया। बिल्कुल मैम। अरे भाभी जी ये सब क्या है, आपने मुझे बांध क्यों रखा है? अब तुम हो गए हो किडनैप। क्या मैं किडनैप हो गया हूँ? अरे भाभी जी आप कैसी बात कर रही हो, मैं तो आपकी बस्ती में रहता हूँ ना, आपने मुझे क्यों किडनैप किया? ओ हेलो भाभी, भाभी नहीं हूँ मैं कोई, हम किडनैपर हैं। अरे वो क्या बोल रहा है भाभी, ये घर ना हमने किराए पे लिया था किडनैपिंग करने के लिए, हमने सोचा था कोई अच्छा सा मुर्गा फंसेगा और ये लो फंस भी गया, तेरे से अच्छा मुर्गा और कौन होगा। अब ना हम तेरे घर वालों से फिरौती के पैसे मांगेंगे और तुझे फिर भी घर नहीं छोड़ेंगे, तुझे ना बाहर कंट्री में बेच देंगे, तेरी किडनी और गुर्दे फेफड़े सब ना बाहर कंट्री में बिकेंगे। कितना पैसा आएगा ना हमारे पास, आज तो हमने बहुत ही अच्छा काम किया तीनों ने मिलके, ये तो इस जैसे बेवकूफ को फंसा लिया। ये तो वही बात हो जाएगी है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। अरे बहन जी आप मुझे माफ कर दीजिए ना, आपको क्या मिलेगा मेरी किडनी फेफड़े नाक कान निकाल के? क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा पैसा, जिस चीज के लिए हमने ये काम किया है। अब तो तेरी कहानी खत्म हो चुकी है, आगे से ना एक बार ध्यान रखियो कि किसी की बातों में आने से पहले ना 100 बार सोच लेना, लालच बहुत बुरी बला है। लेकिन सोचने का तो वक्त नहीं मिलेगा ना अब इसे, क्योंकि अब ये तो दुनिया में ही नहीं रहेगा, जब बिना किडनी बिना उसके दिल के और बिना उसके जिगर के कहाँ से जिंदा रहेगा बेचारा। अरे नहीं नहीं अंकल जी, हाँ मेरे किडनी गुर्दा मन निकालिए, आपको जितना पैसा चाहिए ना मैं उतना पैसा दिलवा दूंगा, मेरे पापा बहुत पैसे वाले, बस आप मुझे जाने दीजिए प्लीज। उठाओ इसको और जल्दी से भेजो इसे। अरे बॉस कैसी बात कर रही हो, छोड़ कैसे दे इसको, अगर पुलिस में बोल दिया इसने। अरे मेरे कहने का मतलब छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, इसको भेज देते हैं, बाहर रिपोर्ट करा देते हैं, पैसा भी तो तिगना मिलेगा, इतना तो इसका बाप दे भी नहीं पाएगा पैसे। अरे बॉस क्या खाते हो, हमें भी बता दो, हम भी खा लेंगे और ये ज्यादा खा लेंगे, खाते रहते हर टाइम कमला पसंद। कोई नहीं धीरे धीरे सीख जाओगे तुम लोग भी मेरे साथ रह के, अब क्या बात कर रहे हो, लेके चलो इसे। मैं तो फंस गया, क्या करूँ मैं, अब तो कुछ कर भी नहीं सकता, लालच बहुत बुरी बला है। सही बोलते हैं लोग, अगर किसी ने लालच किया ना तो वो इंसान फंसता ही है, ना मैं इन पैसों के लालच में आता और ना मेरी जिंदगी इस मोड़ पे आती, ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, हे भगवान मुझे बचा ले। खत्म करो इसे।